अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु के अंदर क्या होता है, एक भारी भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनना है, ये पदार्थ है बहुत सारे अणुओं से मिलकर बनना है। अणु बहुत सारे किससे, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु के अंदर क्या होते हैं आपके, परमाणु के अंदर एक भारी भाग होता है। परमाणु के अंदर एक, ये मान लीजिए परमाणु है, परमाणु के अंदर भी एक छोटा सा भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, नाभिक कहते हैं। अब बात आ जाती है नाभिक से, क्वेश्चन बन जाता है कंपटीशन में कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो नाभिक की त्रिज्या 10^-15 मीटर कोटि की होती है, यानी इतने मीटर इसकी त्रिज्या होगी, बहुत छोटा सूक्ष्म होगा। और ये बोला जाता है, ये है आपका समस्त परमाणु का जो द्रव्यमान है वो नाभिक के अंदर मिलता है। क्या मिलता है, इस नाभिक के अंदर मिलता है सारा का सारा द्रव्यमान। कहाँ पर होगा, परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में रहता है, नाभिक में मिलता है। समझ में आ गई, दूसरा पॉइंट ये बन गया, ये पॉइंटों को लिखते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सारा का सारा द्रव्यमान किसके अंदर रहता है, नाभिक के अंदर। एक और बात, नाभिक में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन तरह के तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर रहता है। नाभिक के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों ओर है, नाभिक के बाहर चारों ओर क्या होती है, बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। कैसी, इस टाइप की वृत्ताकार क्या होंगी, कक्षाएं होंगी। इनमें क्या होते हैं आपके, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूमते रहते हैं। पर एक खास बात है यहाँ से, आपको ये तो तुमने पढ़ा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूमते हुए घूमता है, हमेशा ध्यान रख लेना कि जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, ये तो आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, लेकिन ये यहाँ पर भी घूम रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी घूमता हुआ, यानी मैं ऐसे चक्कर लगाता हुआ एक चक्कर लगाऊँ, जैसे चकई देखी आपने दिवाली पर करते हो, वो घूम जाती है, घूमने के बाद पूरा एक चक्कर लगा, लट्टू है, लट्टू घूमता रहेगा और एक ऐसे करके आकार बना लेगा, तो वो इसी को क्या कहेंगे, घूमते हुए घूमता है, तो अपनी धुरी पर भी घूमता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव रहता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा रहता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपका नेगेटिव रहता है, और प्रोटॉन पर चार्ज कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, जबकि न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो आपका शून्य रहता है, उदासीन रहता है। कैसा रहता है, न्यूट्रॉन पर ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। अब बात करी जाए कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो इसीलिए मान लीजिए किसी में आपके 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 ही उसमें प्रोटॉन पाएंगे, क्लियर, तो 10 ये नेगेटिव होगा और ये 10 पॉजिटिव होगा, 10 नेगेटिव और जब पॉजिटिव आएंगे तो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी ना तो पॉजिटिव बचेगा ना नेगेटिव बचेगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो परमाणु जो होता है, परमाणु की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, उदासीन होती है। ठीक है, उदासीन यानी कि इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमाणु के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जितने कि उसमें प्रोटॉन होते हैं, तो इसीलिए इन दोनों का चार्ज कंबाइंड किया जाए तो कितना हो जाता है, शून्य आवेश बैठता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। क्लियर बात, अब यहाँ के बाद में आगे की बात बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन पर उदासीन हो गया, अब प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव हो गया, इस पर न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल हो गया यानी उदासीन हो गया। अब इनकी बात आ जाती है कि इन पर आवेश आखिर होता कितना है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर मैं थोड़ा मिटा के लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6×10^-19 कूलाम होता है, और प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होता है, अभी हम बता चुके हैं। ठीक है, बस इसमें क्या अंतर होता है कि ये इसकी प्रकृति नेगेटिव होती है और इसकी प्रकृति पॉजिटिव होती है, इन पर आवेश इतना होता है। अब इनकी खोज किसने की थी, ठीक है, न्यूट्रॉन पर तो शून्य आवेश होता है ये आप जानते हो। ठीक है, अब एक तुम्हें छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ इनका याद करने की, ईंट पर नाच, ठीक है, और मैं थोड़ा सा और जोड़ दे रहा हूं इसमें, ईंट पर नाच पड़ा,
ठीक है, पढ़ा पढ़ा से क्या, ये आपने मोस्टली पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसको आप समझ लो कि ई से इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन, और टी से टॉमसन, क्या टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टॉमसन ने की थी। पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदर रदरफोर्ड। लेकिन कंपटीशन में रदरफोर्ड नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि इसकी जो सबसे पहले जो खोज की थी, यानी कि जो रिसर्च करने के लिए बैठे थे, तो उनका गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका, गोल्डस्टीन, ये दूसरे वैज्ञानिक थे, गोल्डस्टीन, ठीक है, इन्होंने खोज की थी। लेकिन नाम आपका यही पढ़ाया जाता है रदरफोर्ड, लेकिन जब आपका ऑप्शन टिक मार्क आ जाए और रदरफोर्ड उस समय नहीं है ऑप्शन में, तो आपको क्या लगाना है, गोल्डस्टीन, समझ में आई, क्योंकि गोल्डस्टीन ने सबसे पहले इसमें वो रखा था, लेकिन बाद में उसका नाम प्रोटॉन किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, लेकिन खोज का जो नेम किसने लिखी थी, रखी थी सबसे शुरुआत में, तो वो गोल्डस्टीन थे, लेकिन बाद में उन्होंने रिसर्च छोड़ दी और उसके बाद में आगे प्रोसेस इन्होंने करा, तो इसलिए इनका नाम आता है, ठीक है। लेकिन जब आप डीपली में जाओगे तो गोल्डस्टीन आपको टिक लगाना है, कंपटीशन में गोल्डस्टीन आए तो, ठीक है। अब बात आ जाती है, हाँ किसी के यदि ये दिक्कत हो कि दोनों ऑप्शन में आया तो क्या करना है, दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे, ध्यान रखना ये वाली बात, दिमाग में डाल लो, दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे, एक आएगा दोनों में से, राइट। अब एन से न्यूट्रॉन, नाच यानी कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। और ये पढ़ा क्या कर रहा, तो पढ़ा यानी ये है आपका परमाणु, क्या परमाणु, परमाणु की खोज की थी सबसे पहले डाल्टन ने, तो परमाणु की सबसे पहले खोज की थी आपके डाल्टन ने, ये सारी चीज क्लियर हो गई। अब बात आ जाती है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, जो पदार्थ जो होता है आपका, उसका वर्गीकरण हमने किस तरीके से किया है वो भी देख लेते हैं। ये हो गया पदार्थ, पदार्थ का हमने इस तरीके से वर्गीकरण किया है, दो तरीके से आपका, ये चार्ट बना लेना, ये आ गया भौतिक वर्गीकरण और एक हो गया आपका रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण कितने प्रकार का है, भौतिक वर्गीकरण आपका तीन प्रकार कर दिया, ठोस, द्रव, गैस, राइट। अब हालांकि इसके अलावा भी कुछ, चौथी द्रव की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, और द्रव की पांचवी अवस्था होती है आपकी बोन्स, आइंस्टीन, ठीक है, कंडेंसेशन, तो ये हम तुम्हें बताएंगे, इनके बारे में पूरा विस्तार बताएंगे। देखो नोट करके यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ मैं, द्रव की चौथी अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा, ठीक है, और पांचवी ये कैसी है, फोर्थ स्टेट, फोर्थ अवस्था, और एक बॉस आइंस्टीन कंडीशन, ठीक है, ये कौन सी होती है आपकी, फिफ्थ अवस्था, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम दोनों के बारे में पूरा पूरा एक वीडियो अलग से बनाएंगे, जिसमें इसकी पूरी पूरी विस्तार से बताएंगे होती क्या है। अब पहले यहां से देख लीजिए, रासायनिक वर्गीकरण में हमने दो प्रकार से किया है, शुद्ध पदार्थ और यहां पर क्या किया है, मिश्रण, क्या किया है, मिश्रण। शुद्ध को भी हमने कितने प्रकार से बांटा है, शुद्ध को भी हमने दो प्रकार से बांटा है, शुद्ध को हमने कितने प्रकार से बांटा है, दो प्रकार से, तत्व और यौगिक। इसको भी हमने दो प्रकार से बांटा है, एक समांग मिश्रण और एक विषमांग, क्लियर। यानी मिश्रण को भी हमने दो प्रकार से बांटा है, पहला और दूसरा। इसमें शुद्ध पदार्थ को कितने, तत्व और यौगिक में बांटा है, तत्व अपने आप में है, यौगिक भी दो प्रकार के, दो प्रकार के हैं, यौगिक दो प्रकार के कौन से हैं, कार्बनिक और है कार्बनिक। ये है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बड़ा सा, ये आपका पूरा पूरा पदार्थों का वर्गीकरण है, पदार्थों का भौतिक प्रकार से वर्गीकरण कितनी अवस्थाओं में, तीन, ठोस, द्रव, गैस।
और रासायनिक वर्गीकरण शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, मिश्रण कितने समांग और विषमांग मिश्रण, तत्व यौगिक, तत्व और यौगिक, तत्व मैंने बता दिया, यौगिक हमने बता दिया, मिश्रण बता दिया। अब एक एक करके हम सारी सारी चीज़ें करते हैं, ये हम फिजिक्स में करा देंगे, इसमें भी कराएंगे, चिंता मत करो सारा कुछ होगा। खास बात हम यहाँ से लेते हैं, पहले इनको ख़त्म कर लेते हैं, ये पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। समांग मिश्रण विषमांग मिश्रण, समांग यानी एक एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्ण रूप से विलय हो जाए यानी घुल जाए और उनके हम अवस्थाओं में देखने मात्र से विभेद ना कर पाए, उसको क्या कहते हैं, समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे आपका चीनी ली और पानी में घोल दी हमने, एक पदार्थ चीनी है और एक पानी है, दो अलग अलग पदार्थ हैं और उनको हमने घोल दिया और घोलने के बाद हमें कांच के साफ गिलास में भर लिया, तो हम देखेंगे कि हमें चीनी अलग नहीं दिखाई देगी, केवल पानी दिखाई देगी, पानी के अंदर चीनी घुली हुई है दिखाई नहीं देगी, तो वो क्या है आपका, समांग मिश्रण है। विषमांग कैसा होता है, पानी में आप कंकड़ डाल दो और घोल दो, तो कंकड़ को ऐसे मत करना, अगर तोड़ दो वैसे ही डाल दो, तो उसमें क्या होगा, कंकड़ अलग दिखाई देंगे और पानी अलग दिखाई देगा। चलो पानी में आप लोहे के कण डाल दो तो वो घुलेंगे तो नहीं, तो और वो गिलास में देखोगे तो कैसा अलग अलग दिखाई देगा, तो वो कैसा कहलाएगा आपका, विषमांग मिश्रण कहलाएगा। समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण दोनों आपके क्लियर हो गए, यानी कि हम उसकी भौतिक अवस्था देखने मात्र से हम बता नहीं सकते कि इसमें क्या क्या चीज़ मिली हुई, यानी कि उनको अलग अलग नहीं देख पाए तो वो समांग मिश्रण है, और अलग अलग देख पा रहे हैं तो आपका विषमांग मिश्रण है। बहुत अच्छे से, बहुत ही बारीकी बारीकी से हम चीज़ों को अलग कर रहे हैं, अलग अलग डेफिनेशन से, बिल्कुल समझ में आ रही है ना बात, तो बात समझ में आ रही है, अपने दोस्तों को शेयर कर दो साथ के साथ और लाइक मारो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हमसे लोगों को जोड़ो, अपने मित्रों को जोड़ो, अपने घर पड़ोसी सभी से जोड़िए, ठीक है ना। तो अब आगे की बात करते हैं, शुद्ध पदार्थ हो गया, शुद्ध पदार्थ को तत्व, तत्व के बारे में हमने बता दिया एक ही परमाणुओं से, यौगिक हमने तुम्हें बता ही दिया है क्या, जिसमें निश्चित अनुपात में आपके क्या मिले होते हैं, तत्व मिले रहते हैं, इसमें क्या होते हैं, अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। खास बात यहाँ से आपका क्या मिल रहा है, आप देखो ये कार्बनिक और अकार्बनिक, जिसमें आपका कार्बन पाया जा रहा है वो कार्बनिक पदार्थ और जिसमें कार्बन नहीं पाया जा रहा है वो अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। अब बात आ जाती है एक बात यहीं से, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों पर हम पूरा, अभी तो केमिस्ट्री हम थोड़ा सा वेस रख रहे हैं, आज नीम रखी गई है केमिस्ट्री के, हम लगातार इंटर की केमिस्ट्री पूरी कराएंगे, कंपटीशन की भी कराएंगे और आपका दसवीं ग्यारहवीं सारी की सारी केमिस्ट्री बिल्कुल प्यार से लवली लवली तरीके से लेके चलेंगे आगे के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और इसके अब टॉपिक हम इंटर के हिसाब से लेंगे, आज हमने केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा तुम्हें बताया है, थोड़ा सा बेस बना रहे हैं हम, उसके बाद में टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर एनसीईआरटी की सारी किताब, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, ये सारे के सारे हम सब्जेक्ट टॉपिक बाय टॉपिक किताब के टॉपिक से और किताब की एक्सरसाइज से, फिजिक्स की न्यूमेरिकल की एक्सरसाइज अलग, थ्योरी की अलग, डेरिवेशन सारा कुछ अलग अलग, सब कुछ कराएंगे सेपरेटली, आपको कहीं पर ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं भी अपना मन लगा के आपके लिए